जिन शक्तियों पर तू घमंड कर रहा है, तूने अपने पाप कर्मों के कारण उन शक्तियों को कलंकित और भ्रष्ट कर दिया है, और तूने अपने इन्हीं पाप कर्मों से उन शक्तियों का वरदान देने वाले ब्रह्मा और शिव को भी कलंकित किया है। जब शक्तियां कलंकित और भ्रष्ट हो जाए तो उनमें बल नहीं रहता। याद रख लंकापति रावण, एक सत्य के सामने अगर भ्रष्ट शक्तियों की अपार सेना भी आ जाए तो वो पराजित हो जाती है, पराजित हो जाती है। तूने अभी तक सिर्फ देवताओं को परास्त किया है, एक पवित्रता नारी के सत्य से तेरा सामना नहीं हुआ।